जिनके घर में भ्रष्टाचार की नदी बहती हो, जहां से भ्रष्टाचार का उद्गम हो, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं इस दल के, उन्होंने बिहार को गढ़ने का काम किया। बिहार एक समय कहां पे था, कितने गड्ढे में था, उसको बाहर निकालने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। भाई हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं, हम लोगों की राजनीति करते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जात पात से कोई मतलब है? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां जो है अब मैदान में उतर चुकी है। जहाँ पे राजद पिछले दिन ही मुजफ्फरपुर का उनका दौरा था तेजस्वी यादव का, आप देखिए कि अब जदयू का भी दौरा हुआ है मुजफ्फरपुर में। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा जो आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं और वो आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के विकास को गिनाया है कि कैसा बिहार था 2005 से पहले और अब कैसा बिहार है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं कहा कि आप लोग सभी लोग फील्ड में जाइए और जनता के बीच में जाइए और चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। इसके साथ साथ जो बूथ है, बूथ लेवल पर कमेटी बनाया जाएगा और 10 सदस्यीय टीम बूथ स्तर पे बनाया जाएगा, क्योंकि बूथ को सबसे पहले मजबूत करना है। क्योंकि चुनाव से पहले अगर बूथ मजबूत नहीं होगा तो हम लोग चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव होने। वही बता दें कि मनीष वर्मा ने नीतीश कुमार के काम को गिराते गिराते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर भी कटाक्ष किया है। भ्रष्टाचार को लेकर कई सारे बातें उन्होंने कही है, किस प्रकार से 2005 से पहले बिहार था और अब जो बिहार है, इन सभी बातों को उन्होंने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मनीष कुमार वर्मा, पहले आप वो सुनिए। देखिए, जदयू पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में, पूरे बिहार प्रदेश में कार्यक्रम कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जिला के जो जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रखंड कार्यकारिणी और सभी पंचायत अध्यक्षों को लेकर के कैसे आगे 2025 के चुनाव में जदयू को जबरदस्त जीत दिलाई जाए, एनडीए की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। और सभी हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पे आए हैं, उनको उनसे बात करके, उनसे फीडबैक लेकर के जदयू को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो समताकालीन जितने भी साथी थे उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया और उनको सम्मानित करने का काम किया गया, क्योंकि वही है आज भी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया है, उनका इस पार्टी में सम्मान है और जो पार्टी उन्होंने गढ़ा है उस पार्टी ने बिहार को गढ़ा है। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं इस दल के, उन्होंने बिहार को गढ़ने का काम किया। बिहार एक समय कहां पे था, कितने गड्ढे में था, उसको बाहर निकालने का काम किया, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया और आगे बिहार को एक मजबूत भविष्य देने का काम माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे। यदि हम 2025 में नीतीश कुमार जी फिर से आते हैं तो बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम वो करेंगे। आपने प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा है कि जेडीयू के जो भी कार्यकर्ता है उसको सही सम्मान मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। कि कार्यकर्ता जो है वो जनता की समस्या लेके आता है, जहाँ पे रहता है उनका काम है कार्यकर्ताओं का, उनकी समस्याओं का निराकरण कराए, वो सरकार और जनता के बीच में एक माध्यम का काम कर रहा है। पार्टी जो है एक माध्यम है कि लोगों का जो ग्रीवेंस है, लोगों का जो तकलीफ है, उसको जो है सरकार के सामने लाए, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने लाए, तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनको जितने भी लोग हैं, यदि उचित उनका डिमांड है, उचित उनका काम है, तो उनका काम होना चाहिए। मैं सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि उनकी समस्याओं को देखें, जनता के वस्तुतः वो जनता की समस्याएं हैं, उनको निराकरण करने से जनता की समस्याएं सॉल्व होगी, तो उनको उचित सम्मान कीजिए
और जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें। तेजस्वी यादव के लगातार जो है भ्रष्टाचार अपराध बढ़ रहा है और सरकार चुप है। अब दूसरे के विषय में क्या कहें, नीतीश जी के दामन में कोई दाग है, कोई यदि प्रूव कर सका, आज तक किसी ने प्रूव, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई प्रूव कर सका उनके दामन में एक भी दाग है। जो व्यक्ति इतने वर्षों से पब्लिक लाइफ में हो, केंद्र में मंत्री हो, राज्य को 19 सालों से चला रहा हो और उस पर एक छींटा नहीं हो, तो उसके विषय में क्या भ्रष्टाचार कहना, उनका आरोप क्या है? अरे भाई, जिनके घर में भ्रष्टाचार की नदी बहती हो, जहां से भ्रष्टाचार का उद्गम हो, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग आरोप की मांग कर उम्र ज्यादा हो, तो विपक्षी पार्टियों का काम ही है, उनका दायित्व ही है कि वो मांगे, इस तरह से मांग करें। लेकिन बिहार की जनता सब कुछ जानती है, बिहार की जनता को पता है कि जब तक नीतीश बाबू हैं बिहार में, बिहार सुरक्षित है और बिहार आगे बढ़ता रहा है। जितना माझी के बीच में जातियों को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जो एक दूसरे की जाति को लेकर विवाद कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं बिहार में, जातियों के मध्य में कोई विवाद नहीं बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही जो जातियों के बीच में विवाद था उसको समाप्त करने का काम किया और बिहार ये आगे बढ़ रहा है। ये तभी बढ़ रहा है कि जब विवाद समाप्त हो, जब विवाद रहेगा तो बढ़ेगा कैसे? भाई हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम जमात की राजनीति करते हैं, हम समाजवाद की राजनीति करते हैं, हम लोगों की राजनीति करते हैं। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जात पात से कोई मतलब है? बिहार में जो बिहार सरकार की नीतियां हैं उसे लागू किया जा रहा है, वो है सुशासन के कार्यक्रम 7-2 और बिहार में 7-2 का कार्यक्रम लागू है और जितना भी है सुशासन का कार्यक्रम पूरे बिहार में लागू है। बिहार की अपनी नीतियां हैं, बिहार उसके अनुसार चल रहा। लोग नेता हैं, बयान देते रहते हैं, पार्टी का अपना स्टैंड होता है, पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और इसमें कोई खास कोई बात नहीं, जबरदस्ती मामले को तूल दिया जा रहा है कोई बात ही नहीं है। 25 में इंडिया की फिर से सरकार बनेगी, एकदम हमको पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता एनडीए को पूरा पूर्ण बहुमत के साथ, बहुत जोरों के साथ जिता करके भेजेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था मनीष कुमार वर्मा का। आज देखिए कि मुजफ्फरपुर में उनका दौरा था और यहाँ से शुरुआत हो गई, उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर कही जाती है और यहाँ से जो है जदयू की जो रणनीति है अब वो तैयार होगी, क्योंकि यहाँ से जो मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है और सभी विधानसभा में जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती से अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए कहा। इसके साथ साथ जनता के बीच में जाकर जनता की समस्या को सुनने के लिए भी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप लोग की मजबूती के कारण ही नीतीश कुमार जो है वो सत्ता पर है और बिहार का विकास कर रहे हैं। अगर कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे और कार्यकर्ता के साथ साथ जो जनता है उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो नीतीश कुमार को मजबूती नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर उन्होंने कई सारे दिशा निर्देश जो है जदयू के कार्यकर्ता को दिए हैं, जिसमें बता दें कि जदयू के जिला अध्यक्ष के साथ साथ महानगर अध्यक्ष, युवा महानगर अध्यक्ष, महासचिव के साथ साथ प्रखंड अध्यक्ष, जो विभिन्न प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष है उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता है महिला और पुरुष सभी लोग आज की बैठक में मौजूद थे। सभी लोगों ने उनकी बातों को सुना, उन्होंने संबोधन किया है और सभी को कहा है कि आप लोग अब क्षेत्र में उतर जाइए क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और देखिए ये सब बात हो गई, अब देखिएगा, अब ये भी देखना होगा कि सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, अब ये देखना होगा कि आने वाला चुनाव के समय में क्या होता है बिहार का परिणाम और किसके पलड़ा में जाता है बिहार का ताज। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।